नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 13 अगस्त, दिन शुक्रवार, मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी के खिलाफ डिजिटल पाबंदी और हो सकती है सख्त। अब बाल आयोग ने लिखी चिट्ठी, अकाउंट बंद होने पर ट्विटर पर भड़के राहुल। दिस इज देयर ब्रीचिंग द आइडिया दैट ट्विटर इज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म एंड फॉर द इन्वेस्टर्स दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सीएम योगी ने आज गाजीपुर और वाराणसी में किया हवाई सर्वेक्षण, कहा सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिले, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। नागपंचमी के मौके पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को किया सम्मानित, बोले गोरखपुर में प्रतिभा की कमी नहीं है। यानी एक एक महीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति ने, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राज्य के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। यूपी के प्रयागराज दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विपक्ष चर्चा के बजाय सदन में तोड़फोड़ करता है। वहाँ पर जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की हिंसा हुई, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार करने वाली है। यूपी में बाढ़ से तबाही, वाराणसी समेत 24 जिलों के 600 से ज्यादा गांव चपेट में, सभी जिलों में बांटी जा रही है राहत सामग्री। पार्टी आपके बीच में राहत सामग्री के साथ, पानी एवं भोजन के साथ आपके साथ राहत, इस आपदा के समय में राहत पहुँचाने का काम कर रही है। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने और पार्टी के तमाम अकाउंट्स को लॉक करने को लेकर जहां ट्विटर पर निशाना साधा, तो वहीं अब ट्विटर के साथ चल रही विवाद के बीच एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की। आयोग का कहना है कि राहुल ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। वहीं शुक्रवार को राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जारी करके ट्विटर पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति में किसी कंपनी का दखल नहीं चलेगा। यू नो, सिंपली शटिंग राहुल गांधी डाउन, आई हैव 19-20 मिलियन फॉलोअर्स, यू आर डिनाइंग देम द राइट टू एन ओपिनियन, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। सो दिस इज नॉट ओनली पेटेंटली अनफेयर, दिस इज देयर ब्रीचिंग द आइडिया दैट ट्विटर इज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म and for the investors this is a very dangerous thing because taking sides in the political contest has repercussions for twitter our democracy is under attack we're not allowed to speak in parliament the media is controlled and I thought there was a ray of light where we could put what we thought on twitter but obviously that's not the case it's obvious now that twitter is actually not a neutral objective platform it is a biased platform and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? वाराणसी में बाढ़ से उपजे हालातों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने इस मौके पर बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सरकार के सभी प्रयास बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे हैं। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है, समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है, वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहां संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं,
सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिले, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों की तैनाती करने, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम यानी सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें इस सीजन में ज्यादा होती हैं, इसको भी हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग से पशुओं के उपचार और उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जिन 32 राजस्व गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है, उन पर युद्ध स्तर पर लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के मौके पर 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने यहां गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, इन प्रतिभाओं को सही प्लेटफॉर्म और उचित मार्गदर्शन के साथ प्रोत्साहन देना समाज और सरकार सबका सम्मिलित दायित्व है। यानी एक एक महीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति ने, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राज्य के अंदर की किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक जीता, किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, रजत पदक जीता, किसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, कांस्य पदक जीता। लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था न मिलने के कारण वह अपने आप को कुंठित महसूस करता है और फिर आने वाली पीढ़ी को उस विधा की ओर जाने के लिए न जाने के लिए लगातार अगर कोई जाना भी चाहता तो उसको हतोत्साहित करता है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में व्यक्ति का नहीं पूरे देश का और पूरे समाज का मान जुड़ा होता है, उसका सम्मान जुड़ा होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का परिचय करने का प्रयास करता है। और उन स्थितियों में हम सबकी भावनाएं अपने खिलाड़ियों के प्रति होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत हमें स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, नगर स्तर पर, जनपद स्तर पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और इसी शुरुआत के क्रम में गोरखनाथ मंदिर में दशकों से नागपंचमी के अवसर पर इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी यह स्थगित करना पड़ा था। और इसलिए मैंने यहां पर आयोजकों से कहा, मैंने कहा अच्छा होगा कि भले ही हम बड़ी प्रतियोगिता न कर पाते हों, लेकिन अच्छा होगा कि इस अवसर पर एक आयोजन अपनी विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के खिलाड़ियों का एक सूक्ष्म सम्मान का कार्यक्रम होगा तो खेल के प्रति एक रुचि उसके मन में जागृत होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सदन की कार्यवाही न होने पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नकवी ने कहा, विपक्ष की मोदी जी को बदनाम करने की जो सनक है वो बदनाम करने की साजिश तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, संसद में जो तोड़फोड़ और हिंसा हुई वो लोकतंत्र को शर्मसार करती है। वहां पर जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की हिंसा हुई वो लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दुख की बात है कि ये सारी घटनाओं को करने के बाद जो गुनाहगार हैं, जिनके पास गुनाहों की गठरी और पाप का की पोटली है, वो सारे के सारे लोग सड़कों पर जो है वो क्रांतिकारी की तरह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा देश के हित में कोई काम किया है।
और निश्चित तौर से क्योंकि बिना जमीन के जमींदारी और विपक्ष की चौधराहट इसकी होल लगी हुई है, और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि इस जो जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। अगर प्रावधान नहीं है तो प्रावधान बनाने की ज़रूरत हो तो बनाया जाए, ताकि कोई और इस तरह की हरकत करके लोकतंत्र के मंदिर को शर्मिंदा न करे। यूपी में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के काफी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें वाराणसी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों में तमाम मकान बाढ़ के पानी के बीच दिख रहे हैं। इन स्थितियों में लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिल और छतों पर आश्रय लेने को मजबूर हैं। सीएम लगातार बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और जनप्रतिनिधियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन सामग्री बांटने के आदेश दे दिए हैं। इस मौके पर प्रयागराज में जनप्रतिनिधि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। आपके बीच में राहत सामग्री के साथ पानी एवं भोजन के साथ आपके साथ राहत इस आपदा के समय में राहत पहुंचाने का काम कर रही है। आप जिन भी साथियों को पानी हो वो आप हमें बतावें। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज, वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। और मुझे लगता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए, टेलीफोन उठाना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम मना कर सकें।